इन सब कामों की लिस्ट बनाकर इनॉग्रेशन की डेट फिक्स कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी डेट डिसाइड कर ली है, अगले हफ्ते खोल रहे हैं, जल्दी है हमें। नेक्स्ट वीक तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता? जो हो सका कर लेंगे, जरूरी नहीं कि पहले दिन ही कर लें। जल्दी करने की कोई खास वजह है क्या? जितना जल्दी हो सके हम ये रेस्टोरेंट खोल के पैसे कमाना चाहते हैं। बैंक से जो कर्जा लिया है वो कर्जा भी तो वापस लौटाना है। खैर, बजट का तो पता है, जाहिर है जो चीजें चाहिए फौरन पूरी कर लेते हैं ताकि टाइमली सारा काम हो जाए। इनका मतलब है कि मसले वक्त के साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे? जी फरीद साहब, मैं अपनी सोच के बरक्स एक जापानीज पार्टनर के साथ काम कर रही हूँ। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो ये मशरिकी और मगरबी पार्टनरशिप है। पुराने मामला हल किए बगैर नए खोल देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सही प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है हम बिना किसी मुश्किल के कर लेंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। वोट करते हैं, वो जो कह रहे हो इस हफ्ते शुरुआत होनी चाहिए। 2-1 से हार गए आप। नाजली, आप दोनों जो कह रही हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इस तरह हम दोनों कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। फरीद साहब, मुझे लगता है यहाँ जो फैसले होंगे वो इनफरादी राय के बजाय वोटिंग से किए जाएं तो अच्छा होगा। मतलब हमें अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले करने चाहिए। मनामी और मैं ज्यादा अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। नाजली, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। इन बातों का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप दोनों अक्सरियत नहीं हो सकते। अच्छा, फिर मैं आपको जरा आसान अल्फाज में समझाती हूँ। 2-1 से ज्यादा होता है, यानी हमारे वोट ज्यादा है। रेस्टोरेंट अगले वीक खुल रहा है मनामी, नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं नाजली, आगे। और ये है दूसरा प्लान, एम्प्लॉइज चाहिए। खुश आमदीद आसुमान। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? तुम्हारा क्या काम है इधर? मैंने बुलाया है, आज के बाद आसुमान रेस्टोरेंट के कामों में मेरी मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट डूब जाए। तुमसे निपटने के लिए तुम्हारी जबान समझने वाला कोई जरूरी था। हाँ, कहाँ पे थे हम? वो मुलाजमीन जिनकी भर्ती के मुतालिक मंसूबा बनाना था। इस फाइल के तीसरे सफ़े पर जाएं। चलाक औरत, बताया क्यों नहीं? सांप कहीं की। मेरी पेंसिल भी ले ली, शायद ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। That each new step is somehow preordained. I've not traveled this way before. Rainbows in the sky seem forever, but we'll know by and by. काश ये वक्त खत्म ना हो। क्या कहा तुमने? एक विश है बस। उम्मीद करता हूँ कि पूरी हो जाए। Like this before.
हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं फरीद, हम कर लेंगे बंद। मुआहदे के मुताबिक आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, हमारा मुआहदा। आप लोग काम करेंगे और मैं पैसे गिरूंगा। गुड नाइट। शब बख़ैर। हेलो फरीद साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर। कुछ देर पहले कार्गो के जरिए आपके लिए एक पैकेट आया है, दरवाजे पे रखा है। इस वक्त आया है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। आसमान के फोन से ली गई कुछ तस्वीरें हैं ये। आज शाम कोई ये मेरे घर पर छोड़ के गया है, एक यूएसबी के साथ। मैंने मोबाइल में सेव कर ली। तैमित और हक्कान ने ये दस्तावेजात अदालत में पेश किए थे। ये तस्वीरें मेरे घर में खींची गई थी। जाहिर है कि आसुमान नहीं ली होंगी और उसने दैमित को दे दी। नाजली, सच बोलो, क्या तुम्हें इस बात का पता था? पता था। यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप रही, ऐसा ही है ना? नाजली, तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में नाजली, यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैं जानती हूं, मैं बता नहीं पाई। शुरू से मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की, पर बता नहीं सकी। इसी वजह से तुम मुझसे दूर हो गई थी। वो बात जो तुम नहीं बता पा रही थी वो यही थी, तुमने मुझे सच बताने के बजाय मुझसे भागना बेहतर समझा। नाजली, मैं सिर्फ आसुमान को बचाना चाहती थी। फरीद, आसुमान की वजह से मुल्क की तहवील नहीं पा सका मैं। तुम अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपना भांजा खो दिया। तुम पर भरोसा किया था मैंने, इतना भरोसा कि मैंने आज तक किसी पे नहीं किया।
दुख हुआ।